नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे में होता है। जस्ट वैसा ही प्रोसेस आरआरबी चेन्नई से आपको अपडेट मिल रहा है कि जैसे मेरा हुआ था वैसा ही कुछ हो रहा है। हालांकि इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है, ये जो आपका रिस्ट बैंड लगाया जा रहा है वो मेरे सेंटर पे नहीं हुआ था। तो ये कुछ खास है नहीं, बस एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि आप इधर उधर न भाग जाएं, यानी कि जब अंदर जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। आपके हैंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैंड लगाया जाता है, रिस्ट बैंड लगाया जाता है एक। इसमें आपको टेम्पर नहीं करना है इसको, ठीक है? जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, शुरू में जैसे ही जाएंगे आपको पहले दो फॉर्म दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे होता है। अब तो आपको एकदम से प्रोसेस पता चल रहा होगा, चेन्नई का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसमें आपको ये बैंड लगाया जाएगा, उसके बाद आपको दो फॉर्म दिया जाएगा, डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। आप कुछ गलत करेंगे तो आप पे लीगल कार्रवाई की जाएगी, प्लस जो भी है मतलब कि लीगली तरीके से आपके साथ मतलब बर्ताव किया जाएगा। अगर आप इलीगल तरीके से गए हैं तो कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, फिर कुछ भी जो भी होता है वो समझ गए होंगे, पुलिस कार्रवाई होगी, तो वो अलग चीज़ है। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म में भर के आपको साइन करना होता है। उसके बाद आप जाएंगे कंप्यूटर से जहाँ पे रहता है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका जो ये आपका CBT 1 CBT 2 जितने भी हैं उसके फिंगरप्रिंट मैच करे जाएंगे। हालांकि देखिए, इसमें कोई इशू नहीं होता फिंगरप्रिंट मैच करे या ना करे, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का ALP टेक्नीशियन में चेन्नई में, बहुत सारे को तो नहीं मतलब कि 4-5 लोगों का ऐसा सुनने को आया कि उनका फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच कर रहा था। तो हो सकता है कि कुछ फर्जीवाड़ा तरीके से गए हों, या जेन्युइन कैंडिडेट भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। उनको बाद में जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं उनके पास ले जाया जाता है, यानी कि उनका और भी चीज़ मैच किया जाता है, तो उससे कि क्लियर हो जाता है कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो वहीं पे क्लियर हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा डाउट हो जाती है उसके बाद आपको हैदराबाद के जो फोरेंसिक लैब है वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए लंबा प्रोसेस हो जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि 2-3 लोग फंसे थे, उसका क्लियर ही हो गया है वहाँ पे। तो कुछ अगर जेन्युइन कैंडिडेट रहते हैं तो देखिए, फिंगरप्रिंट मैच करना ना करना वो अलग चीज़ है। कभी कभी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा बैंक वगैरह में भी ऐसा होता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, दोबारा आपको कहेगा कि थंब लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, फिर भी नहीं होता है। तो वो तो टेक्नोलॉजी का इशू है, उसके लिए आपको छाटा नहीं जाएगा। बाकी आपको समय दिया जाएगा, अगर लगता है कि ज़्यादा डाउट है तो उसके बाद फॉरेंसिक जांच होती है, जो कि आपको पता है कि हैदराबाद में होती है, ठीक है? तो ये थी आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच करेगा, उसके बाद सब चीज़ कंप्यूटराइज वहाँ पे ठीक हो जाएगा, आपका जो भी डेटा है वो फिट हो जाएगा, यानी कि आप सॉलिड निकल जाएंगे, उसको पास कर जाएंगे। उसके बाद आपको भेजा जाएगा डॉक्यूमेंट के साथ, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे, ऑफिसर लोग बैठे रहेंगे एक साथ। वहाँ पे देखा गया है कि 7 से 8 ऑफिसर बैठे थे, यानी कि आप किसी के भी पास जा सकते हैं, जहाँ पे भी खाली होता है वहाँ पे जाके चले जाइए, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लगाइए, और जो भी है जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके दो दो वहाँ पे फोटोकॉपी देनी है। मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास ओरिजिनल होगा और उनके पास फोटोकॉपी उनको दे देंगे। वो पूछेंगे कि इसका ये ओरिजिनल दिखाओ, आपको अपने हाथ से ही दिखा देना है कि सर ये मेरा ओरिजिनल है। वो पूछेंगे कि OBC का ओरिजिनल दिखाओ, तो ये आप मतलब कि प्रोवाइड करेंगे कि देखिए मेरे पास ये ओरिजिनल है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। उसके बाद ये एकदम से इजी प्रोसेस है, हालांकि थोड़ा भीड़ होने की वजह से 2-3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन एकदम से स्मूथली प्रोसेस वहाँ पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो एकदम से स्मूथली जाइए। हाँ, एक बात और, आपको 5 से 6 फ़ोटो लेके जानी है, ठीक है? पासपोर्ट साइज 5 से 6 फ़ोटो ले जानी है। हाँ, आपके पास जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो ले जाइएगा, अगर आपका ओरिजिनल नहीं है तो पर भी काम चल रहा है। मैंने ये सब चीज़ें बहुत पहली बार बताया, इतना आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर दिया है कि कोई दिक्कत तो अब होगा ही नहीं, ठीक है? जो मैं लाइव अपडेट बता रहा हूँ ये चेन्नई का है कि ऐसा ही हो रहा है, जो कि मैंने आप चेक करेंगे मेरे वीडियो को ही चेक करेंगे, 4-5 दिन पहले का वीडियो चेक करेंगे, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा मैं 4-5 दिन पहले बोल चुका हूँ। तो कुछ इसमें बड़ा इशू होने वाली नहीं है, बस आपको एक तसल्ली देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि लाइव भी ऐसा हो रहा है और पहले जो मैं बताया था वैसा ही हुआ था। ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद, आपका फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, आपको एक स्लिप दिया जाएगा। स्लिप देने समय आपको 24 रुपया लगता है, मेरे सेंटर पर तो 24 रुपया लग रहा था, लेकिन यहाँ पर चेन्नई के बारे में मुझे एग्जैक्ट पैसे की बात तो नहीं मुझे पता है
कि कितना लग रहा है, लेकिन मेरे सेंटर पे 24 रुपया ले रहे थे कैश, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सब चीज़ें तो कोई मैटर ही नहीं करता। उसके बाद उस स्लिप पे आपका हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा, उस हॉस्पिटल में जाएंगे, जिस दिन टेस्ट होगा उससे 10 घंटा पहले तक आपको फास्टिंग में रहना होगा, ठीक है। ये चीज़ें पहले ही आरआरबी जम्मू ने आपको बता दिया है कि आपका मेडिकल होने से पहले आपका फास्टिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लाइव अपडेट थी आरआरबी चेन्नई का, जो कि काफ़ी ईजी और स्मूथ प्रोसेस से चल रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है मेडिकल से रिलेटेड उसके साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।